दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ ऋषिकेश और दर्शन कराता हूँ आपको माँ गंगा के, और साथ में दिखाता हूँ राम झूला और जानकी सेतु पुल। ये है उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध राम झूला पुल, और यहाँ से सुंदर नज़ारा दिख रहा है, नीचे गंगा नदी है। ये है जानकी सेतु पुल, और ये पुल लक्ष्मण झूला राम झूला की तर्ज पर बनाया गया है, और पुल काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, ये है लक्ष्मण झूला पुल और ऋषिकेश का सबसे पुराना झूला पुल, और सामने ये तपोवन है, और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और मैं हूँ अनूप सेमवाल, और मैं हूँ अभी टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर में। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज मेरा सफ़र है योग नगरी ऋषिकेश की तरफ, दर्शन कराते हैं आपको माँ गंगा के, और साथ में दिखाते हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु। तो आप वीडियो में बने रहें और मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले दिखाते हैं नरेंद्र नगर से मौसम का हाल। आज का मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान में एक भी बादल नहीं है, और धूप खिली हुई है, और मौसम का सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। और हमने इस रोड से जाना है ऋषिकेश की तरफ, और ऋषिकेश यहाँ से 15 किलोमीटर है, और चलते हैं अपने सफ़र पर। और अब चलते हैं हम ऋषिकेश की तरफ। मैं पहुँच चुका हूँ अभी भद्रकाली, और यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर है, और माता के दर्शन के बाद चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। और ये सामने ट्रक जा रहा है, ये नटराज चौक की तरफ जा रहा है, और हमने सीधे सामने वाली रोड से जाना है राम झूला की तरफ। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी ऋषिकेश, और चलते हैं गंगा नदी तट पर और दर्शन कराते हैं माँ गंगा के। यहां से थोड़ी दूरी पर है राम झूला, और आगे एक चौराहे है, और वहां से एक रास्ता जाता राम झूला की ओर और एक कैलाश गेट की तरफ। मुझे अब इस रोड से जाना है राम झूला की तरफ, और राम झूला यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, और चलते हैं राम झूला की तरफ। ये है राम झूला की पार्किंग, और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए मिनिमम चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, मैं अभी हूँ राम झूला गंगा नदी तट पर, और यहाँ से दर्शन करें आप माँ गंगा के। और ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये है राम झूला, और ये सामने देख रहे होंगे आप, ये है राम झूला पुल, और ऋषिकेश का सबसे फेमस पुल है राम झूला पुल। और अभी इसमें गाड़ियों के लिए मना कर दिया है आने जाने के लिए, और पहले हम स्कूटी या बाइक से जाते थे, लेकिन अब सिर्फ पैदल मार्ग हैं। और नीचे देखिए आप, गंगा का सौम्य रूप नज़र आ रहा है, और यहाँ पे राफ्टिंग भी की जा रही है, और इधर से देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है माँ गंगा का। जय माँ गंगा। और माँ गंगा का जल कितना स्वच्छ और निर्मल है, काफ़ी सुंदर है। तो यहीं पास में है राम झूला मार्केट, और सुबह का समय है, काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं, गंगा आरती करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप माँ गंगा का सुंदर सा नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है, और सामने पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं। और अब हम यहाँ से चलेंगे जानकी सेतु की तरफ, और दिखाते हैं आपको जानकी सेतु पुल। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं पहुँच चुका हूँ अभी जानकी सेतु, और ये सामने देख रहे होंगे आप, ये है जानकी सेतु पुल, और आप यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जानकी सेतु की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अभी जानकी सेतु, और यहाँ से भी कराते हैं माँ गंगा का दर्शन, और दिखाते हैं आपको जानकी सेतु पुल। यह है जानकी सेतु पुल, और यहाँ से सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है जानकी सेतु का। तो जानकी सेतु पुल को सुंदर तरीके से सजाया गया है। जानकी सेतु और उसके आसपास की दीवारों पर बनी तस्वीरें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ से आप माँ गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं। जानकी पुल के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और सामने दीवारों पर भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ से देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, और यह है
जानकी सेतु पुल, और यहाँ बीच से है पैदल मार्ग और साइड से है स्कूटी और बाइक का रास्ता, और ये है जानकी सेतु पुल का सुंदर सा नज़ारा। अभी खाली खाली है और यहाँ से गंगा नदी का नज़ारा गजब का दिखाई देता है। और अब हम पुल के उस पार निकलते हैं और वहाँ से भी दिखाते हैं। दोस्तों मैं अभी जानकी सेतु पुल के दूसरी साइड पहुँच चुका हूँ और यहाँ से भी दिखाते हैं आपको जानकी सेतु पुल, और फिर कराते हैं माँ गंगा के दर्शन और फिर चलते हैं राम झूला की तरफ। मैं अभी जानकी सेतु पुल पार करके दूसरी तरफ पहुँच चुका हूँ और यहाँ से जानकी सेतु का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, और अब चलते हैं आगे राम झूला की तरफ। और यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, दुकानें लगी हुई हैं दोनों तरफ और काफ़ी पर्यटक आ रखे हैं यहाँ घूमने, और सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अब चलते हैं गंगा नदी तट पर और यहाँ से कराते हैं माँ गंगा के दर्शन। तो यहाँ आगे स्वर्ग आश्रम भी है और यहाँ से देखे जानकी सेतु पुल का खूबसूरत सा नज़ारा। और अभी गंगा नदी में काफ़ी पानी कम है और बरसात के टाइम पर यहाँ पर भयंकर पानी आता है। अभी माँ गंगा का निर्मल रूप दिखाई दे रहा है और बरसात के टाइम पर माँ गंगा का रौद्र रूप दिखाई देता है। जय माँ गंगा। तो अब चलते हैं राम झूला की तरफ। अभी मैं पहुंच चुका हूं गीता भवन, और यहां पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ है और सामने बजरंगबली भी दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे श्री कृष्ण अर्जुन की विशालकाय मूर्ति है। और ये देखिए बजरंगबली के यहां से दर्शन करिए, और नीचे नदी तट पर चलते हैं और भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ गंगा नदी में विराजमान है, दोनों साइड से गंगा माता है और बीच में भोलेनाथ विराजमान। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय गंगा माता। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ राम झूला की दूसरी साइड और यहाँ से कराते हैं माँ गंगा के दर्शन और दिखाते हैं आपको राम झूला पुल। अभी मैं हूँ राम झूला की दूसरी साइड और यहाँ से भी गंगा माँ के दर्शन करें और जय गंगा माता। और कई नदियों के संगम से गंगा माँ का निर्माण होता है, और यहाँ से भी दर्शन करें गंगा माँ के सौम्य रूप का। मैं पहुँच चुका हूँ अभी राम झूला और यहाँ पे काफी पर्यटक और ये है सामने राम झूला, और काफ़ी लोग उसमें भी राम झूला में भी हैं तो वहाँ भी फोटो खींच रहे हैं। और नीचे देखिए गंगा माँ के, आप यहाँ से भी दर्शन करें। जय गंगा माता। और यहाँ से माँ गंगा का निर्मल रूप दिखाई दे रहा है। और अब चलते हैं पुल की तरफ और झूला पुल में चलेंगे। और यहाँ पे देखे लंगूर इन भाई साहब के हाथ से कुछ खा रहा है, काफी लंगूर है यहाँ पे, काटते नहीं है इनको। कोई कुछ देता है खाने के लिए, कोई केला देता है, कोई सेब देता है, कोई चने देता है, और एक लंगूर यहाँ पर बैठा हुआ है बैरिकेडिंग के ऊपर। और ये सामने देखिए एक लंगूर यहाँ बैठा हुआ है, और ये भी देख रहे हैं कि कुछ दे हमारे लिए खाने के लिए। और पुल की तरफ चलते हैं और पुल का नज़ारा दिखाते हैं। पुल काफ़ी हिल रहा है, और पहले तो जब मैं आया था इस पुल में स्कूटी लेके गया था, लेकिन अब बंद कर दिया गया। और यहाँ से गंगा नदी का सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है, और सामने दिखाई दे रहा है तपोवन, और इस साइड से देखिए गंगा नदी का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। पुल काफ़ी हिल रहा है, और अब चलते हैं पुल से बाहर। और फिर यहाँ पे एक लंगूर बैठ गया है,
काफ़ी लोग लंगूर के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ सामने पर पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के बाहर देखे लंगूर काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं। और ये देखे काफ़ी लंगूर बैठे हुए खाने के लिए। और यहाँ से देखे माँ गंगा का स्वरूप। और काफ़ी पर्यटक आए हुए हैं गंगा नदी तट पर और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। अब चलते हैं हम लक्ष्मण झूला की तरफ। और ये मार्ग जाता है सामने से लक्ष्मण झूला की ओर और निकलते हैं हम लक्ष्मण झूला। राम झूला के दर्शन के बाद चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। और लक्ष्मण झूला पुल पर अभी काम चल रहा है और देखते हैं कितना पूरा हुआ है काम। और दिखाते हैं आपको लक्ष्मण झूला और वहाँ से कराते हैं माँ गंगा के दर्शन। तो आप वीडियो में बने रहें। मैं अभी पहुंच चुका हूं थाना लक्ष्मण झूला और ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। और इस साइड गढ़वाल में है। थाना लक्ष्मण झूला से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और सामने दिख रहा है लक्ष्मण झूला और तपोवन। और मैं थोड़ा आगे निकल चुका हूं और यहां से दिखाई दे रहा है लक्ष्मण झूला। और अभी 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है। और यह है लक्ष्मण झूला मार्केट। और लक्ष्मण झूला देश विदेश से यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं। और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो यहाँ पे पर्यटक प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी लक्ष्मण झूला पुल पर। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था तो तब भी यहाँ पे काम चल रहा था। और यहाँ पे बन रहा है कांच का ब्रिज। तो जब बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं इस मार्केट से आगे की ओर और जाते हैं गंगा नदी तट पर और दर्शन कराते हैं आपको माँ गंगा के। और यहीं पास से हमने नीचे की तरफ जाना है गंगा नदी तट पर। दोस्तों मैं अभी हूं लक्ष्मण झूला पुल के पास और गंगा नदी तट पर। और लक्ष्मण झूला का अभी कार्य चल रहा है और अभी पुल तैयार नहीं हुआ है। और मैं ये देखने आया था कि कितना तैयार हुआ है लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ पुल। और कराते हैं आपको यहां से गंगा माँ के दर्शन। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्मण झूला गंगा नदी तट पर। और ये सामने देख रहे होंगे आप, ये है लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश का सबसे पुराना झूला है। और यह लक्ष्मण झूला 1929 में तैयार किया गया है और इसकी नींव ब्रिटिश सरकार ने रखी थी। और यहाँ से देखे गंगा नदी का तट काफ़ी सुंदर है और लोग यहाँ पर राफ्टिंग कर रहे हैं और ये सब राफ्टिंग से आ रहे हैं और यहाँ पे उतरेंगे। और काफ़ी नाव आ रही हैं और सामने तपोवन का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और इन्होंने गंगा नदी से नाव बाहर निकाल दी है। काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और एक और नाव आ गई और ये देखिए ये भी उतर गए। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी टैक्सी स्टैंड पर। और टैक्सी स्टैंड के नीचे की तरफ से भी दिखाते हैं माँ गंगा के दर्शन कराते हैं। और यहाँ से माँ गंगा का सुंदर रूप दिखाई दे रहा है और सामने तपोवन है और नीचे गंगा माता है। और यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और ये सामने राम झूला भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको राम झूला लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु और माँ गंगा के दर्शन करा दिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ गंगा।